हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की जो आंसर की है वो फाइनली आ चुकी है। अब आपने अपना जो रो स्कोर है वो भी चेक कर लिया है। यहां पर आने से पहले आपने क्या कुछ सोचा था और आने के बाद क्या ही कुछ निकला है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि हमारे मार्क्स जो है वो कुछ ज़्यादा आएंगे, लेकिन जब एक्चुअल में रो मार्क्स आपने चेक किए, जब एक्चुअल में रो मार्क्स आपने आंसर की के बाद मिलाए, तो वो कहीं ना कहीं स्लाइटली आपके कम थे जितना आपने सोचा था उससे, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 70 के प्लस आपके नंबर सोच के रखे थे, 70-71 आएंगे, बट एक्चुअल में जब रो स्कोर जब आपने चेक किया तो जो आपका रो स्कोर था वो कहीं ना कहीं आपका 65 के आसपास घूमता हुआ नजर आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ये दलील दे रहे थे कि 80 तक तो उनके जो नंबर है वो कहीं भी जाने वाले नहीं है, 80 तक का वो अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उन्होंने आंसर की, जब मैच की, तो जो उनका रो स्कोर था वो कहीं ना कहीं 70 के आसपास ही घूमता उनको नजर आया। सो दोस्तों, यहां पर जो मेन चीज क्या हुई, नेगेटिव मार्किंग ने यहां पर बहुत बड़ा यहां पर एक खेला खेल दिया है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्या हुआ कि जो आपको लग रहा था कि आपके नंबर 70-80, बहुत से बच्चे तो ऐसे भी क्लेम कर रहे थे कि भाई उनके तो 90 नंबर भी आ जाएंगे 100 के पेपर में, बट जो एवरेज स्कोर है वो आपका बिल्कुल नीचे खिसक गया नेगेटिव की वजह से, क्योंकि जो आंसर्स आपको सही लग रहे थे वो आंसर कहीं ना कहीं गलत हो गए, और गलत होते के साथ ही आपको नेगेटिव मार्किंग जो है उसने अपना खेला खेल के आपको डाउन ले आया, आपके नंबर को कम कर दिया, ठीक है ना। तो एक पोल हमने भी करवाया था जिसमें हमने कहा था कि भाई जो जो बच्चे आप अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे आप हमें बताओ, तो एक बार पोल का देखते हैं कि पोल के नतीजे यहां पर क्या रहे हैं। तो देखिए, पोल के नतीजे भी यहां पर आप देख सकते हो, भाई हमने पोल में रखा 80+, ठीक है, 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके 80+ नंबर आए हैं। 70-80 की बात करते हैं तो 13% ऐसे बच्चे हैं जिनके 70-80 के बीच में नंबर आए हैं। 65-70 की बात करें तो 17% ऐसे हैं जिनके नंबर 65-70 के बीच में आए हैं। 60-65 की बात करें तो 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर किसके 60-65 के बीच में है, और अगर आप बात करते हैं 39 या अप्रोक्सीमेट 40% आप मान लेते हैं, तो 40% ऐसे हैं 100 में से कि उनके नंबर 55-60 हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका एवरेज स्कोर है भाई, एवरेज स्कोर जो आपने एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत सारे बच्चे कि आपका 70-72 तक जाएगा, वो एवरेज स्कोर आपका 55 से लेकर 60 नंबर तक ही सिमट कर रह गया है, फर्स्ट हाइएस्ट। सेकेंड हाइएस्ट बात करें तो आपका 65 से 70, तो मतलब आप मान सकते हो 55 से 65 के बीच में, ठीक है, 55 से 65 के बीच में ही आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, बीच में कहीं पर ना कहीं पर ही आपका घूम रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब मैंने आपका स्टार्टिंग की थी, एक वीडियो डाली थी कि जो आपका लोग झूठ बोल रहे हैं, आपका जो एक्चुअल स्कोर जो है वो एक्चुअल स्कोर आपका जो बता रहे हैं 80-90 वो कैमरा के ऊपर ये कमेंट्स में बता रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका 60 से 65 ही आपका रहा है। और यही चीजें आपने खुद भी नोट की हैं आफ्टर आंसर की कि भाई जो आपका एक्चुअल स्कोर है वो 55-60 और 60 से 70, मतलब कि आप कह सकते हो 55 से 65 के बीच में ही कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, घूमने लग रहा है, ठीक है ना। सो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हमेशा हाई रहती है हर बच्चे की, चाहे वो मैं हूं एग्जाम में चाहे आप बैठो, उन्हें लगता है कि जो उन्होंने सोल्व कर दिया वो एक्यूरेट राइट होगा, बट एक्चुअल में 55 से 60 तक हमारा जो है मेन कम है, जो 40% है, मतलब 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जिनके इतने नंबर है, ठीक है, और जो बाकी की जनसंख्या है 60 लोग जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने के मिलेंगे, किसी को 15, किसी को 13, किसी को 17 आए, लेकिन एक बड़ी आबादी के आपके 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं। और जो हमने पोल करवाया, आप मान सकते हैं ये वाला जो पोल है भाई, जो पोल हमने करवाया है, इस वाले पोल के अंदर तो हमारे जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जब ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बच्चों के साथ, मान लो मेरी में 2000 लोगों ने कमेंट में पार्टिसिपेट किया, अगर इसी को 4000 लोग करेंगे, ठीक है, तो ये जो 39% वाला रेशियो है ये बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वाले जितने नंबर वाले जो बच्चे होते हैं वो उनकी तादाद इतनी नहीं है। सो आप देखोगे कि एक बड़ा सा बड़ा जो डिफरेंस है वो 55 से 60 के बीच में, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको देखते हैं प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या है भाई, आपके कम नंबर आए हैं
और आपके एक ज्यादा नंबर आए हैं, इसमें आपके फायदे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर पता होगा कि इस बार आपके एग्जाम में जो रोल प्ले करेगा वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का खेला भी यहां पर खेला जाएगा जैसे नेगेटिव मार्किंग ने खेला है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको कुछ चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे कि कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है और ज्यादा वाला लुढ़क के नीचे आ गया। अब देखिए आपके पास प्रोस क्या क्या है, अगर आपके पास कम नंबर आए हैं, अगर आपके जो नंबर हैं वो कम आए हैं तो आपके चांस है कि यहां पर आपको ज्यादा आपको आपके जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आपको दो आपके पास क्या है, दो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहला कि आपकी अपनी नलायकी की वजह से कम नंबर ना आए हो, ठीक है भाई, आपने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, ऐसे ही आप उठे एडमिट कार्ड उठाए और पेपर देने चले गए और वहां पर आपने चेक किया कि भाई जो आपके नंबर है आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता था, तो आपने बैठ के वहां पर अपने मुंह में पेन देके आपने जो मनाया कर दिया और आपके नंबर वहां पर क्या आ गए, कम नंबर आ गए आपके, ठीक है। सो उस केस में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है ना, मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, ठीक है। एक आपके पास आपकी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, आपकी जो शिफ्ट थी वो एक्चुअल में हार्ड थी और आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो थे वो भी अच्छे कर रखे हैं और उसके बाद आपके अगर मार्क्स कम आए हैं तो यहां पर आपको जो है फायदा जो है वो देखने को मिलेगा किसका, नॉर्मलाइजेशन का आपके हक में, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, अगर आप बात करें तो आपके लिए प्रोस हो गए जिनके नंबर कम थे। अगर हम कौन की बात करें, जिनके नंबर, अब किसी का नंबर 80 प्लस आ गया, ठीक है, 80 प्लस आपके नंबर आ गए भाई, 80 प्लस नंबर किस में आए, इजी शिफ्ट के अंदर, ठीक है, आसान शिफ्ट थी उसमें आप 85 नंबर ले गए। तो आप सोचो अगर पेपर का लेवल इजी है, आसान लेवल है और उसके अंदर, उस लेवल के अंदर आप 100 में से 85 नंबर ले रहे हो तो ये कहीं भी कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए। एक बच्चा उसी शिफ्ट में आपसे ले रहा है 60 से 65 नंबर, हार्ड में एक 80 प्लस ले रहा है, तो आप खुद सोच सकते हो दोनों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाएगा, 80 वाला लुढ़क के नीचे आ जाएगा, 65 वाला चढ़कर ऊपर चला जाएगा। सो यहां पर जिनके इजी शिफ्ट में अटेम्प्ट्स ज्यादा है, ठीक है, उनको नॉर्मलाइजेशन का जो है उसमें उनको नीचे भी देखने को मिल सकते हैं, बट जिनके मार्क्स कम है, मान लो 65 है और हार्ड शिफ्ट है, तो उसको अपना नंबर 70 से 75 तक भी यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर इजी शिफ्ट वाले के जितने ज्यादा उसने किया है उसी हिसाब से आपको यहां पर बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, तो यहां पर इसीलिए यह है कि एवरेज स्कोर अगर 60 से 65 के बीच में है तो भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन यहां पर अपना खेला खेलेगा और आपको सिलेक्शन की तरफ धकेल देगा, आपका सिलेक्शन वहां पर चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉट विल बी द कट ऑफ, कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कट ऑफ का जो रो स्कोर होता है, हाईएस्ट रो स्कोर जो क्वांटिटी में जिनके बच्चे ने ज्यादा अटेम्प्ट किए, या फिर यू कैन से कि एवरेज स्कोर जो होता है उसी के आसपास रिवॉल्व करता है, उसी के आसपास घूमता है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं भाई 55 से 65 नंबर के बीच में जो आपका है एवरेज स्कोर है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है, जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो रो स्कोर के जो फाइनल नॉर्मलाइजेशन होगा वो अलग मैटर है कि कितना क्या मिलता है, क्योंकि वहां पर हमें ये नहीं पता कि भाई क्या आपको नॉर्मलाइजेशन और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। हर आदमी को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, अगर मैं पेपर में बैठा हूं तो मेरे को लगेगा कि भाई मेरे पेपर ने तो मेरे पैर कपा दिए भाई, बहुत हार्ड था, लेकिन चाहे वो इजी हो, ठीक है, तो सबको हार्ड लगते हैं, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो नॉर्मलाइजेशन पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रो स्कोर के ऊपर। सो अगर आपका रो स्कोर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, अगर अनरिजर्व की मैं बात करता हूं आपके पास, अगर आपका जो रो स्कोर है वो अगर आपका 65 के आसपास है, ठीक है, अगर आपका 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल रनिंग और फिजिकल की तैयारी के लिए कर दीजिए, आप बिल्कुल उठिए और बाहर जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए जी जान लगा के, अगर आप 65 के आसपास आपका रो स्कोर आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो इसी 65 को 70 के करीब, आपका 70 प्लस के करीब आपके नंबर को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई अनरिजर्व की। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी से आप क्या करोगे, कुछ दो तीन नंबर आप यहां से 65 माइनस में तीन के करीब या चार के करीब आप नंबर कम कर लो। एससी के अंदर अगर आप बात करते हो तो आप ओबीसी से पांच या छह नंबर कम कर लो। एसटी की बात करते हैं तो आप तीन से चार नंबर कम कर लो, ठीक है, तीन नंबर कम कर लो। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो ओबीसी से आप क्या कर लो, कुछ नंबर कम कर लो, ठीक है ना, ओबीसी के लगभग आसपास ही रहती है आपकी ईडब्ल्यूएस, लेकिन उससे भी आप एक दो नंबर अपना क्या है कम कर लो, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो
क्या रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो अलग मैटर है, बट अभी जो बात है कि अगर आपके 65 के करीब या 65 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर तैयारी करनी चाहिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है, भाई अगर हमारे मार्क्स जो हैं, अब जो हमारे मार्क्स जो हैं अगर वो 65 से कम है, मान लो मैं अनरिजर्व हूँ और मेरे 50 नंबर हैं, ठीक है, अब आपको ये बताना है कि भाई मैं तैयारी करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया आपका एवरेज स्कोर 55 से 65 के बीच में, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि 50 नंबर के ऊपर भी मेरा जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको अपना 100% 90% या 80% आपको मान के चलना चाहिए। हाँ, आप यहाँ पर 40-60 कर सकते हो कि आपकी शिफ्ट इतनी हार्ड थी कि भाई आपने वहाँ पर, आपसे डंके के दो टूकी नहीं हुए और आपने वहाँ पर 50 नंबर भी अपना बिल्कुल मुश्किल से आप निकाल लाए, ठीक है, उस केस में आपको कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर आपके 50 नंबर हैं या आपके 51 नंबर हैं तो आपको 40-60 का रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भागते रहो, थोड़ा थोड़ा मत करते रहो, बट 65 के करीब जिसके नंबर हैं, 65 से कुछ एक आधा नंबर कम भी है, 62 हो गया, 63, 64 हो गया, 65 हो गया, वो भी अपनी तैयारी पूरी रखें क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत बड़ा आपके साथ खेल खेलने वाला है, ठीक है। बाकी 50 वाला अपनी तैयारी रख सकता है, ठीक है ना। 55 वाला जो है वो एक 55 से 65 एवरेज हमने लिया, 55 में अगर ओबीसी कैटेगरी होती है आपकी तो आप क्या कर सकते हो, आपके 55 प्लस हो रहे हैं तो आप सोच सकते हो, एससी कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज भी आप पर डिपेंड करेगा, बट अनरिजर्व के अंदर आप 55 नंबर के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका नंबर आ सकता है। हाँ, 40-60 रख सकते हो अगर हार्डनेस और नॉर्मलाइजेशन आपकी किस्मत को पलट दे तो, आपके सितारे बदल जाए तो, ठीक है। इस बाकी और कोई चीज नहीं है कि जो आपको अगर नॉर्मलाइजेशन आपको कुछ मिलता है एक दो नंबर का तो आपके सिलेक्शन के चांस आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कट ऑफ और बॉर्डर एरिया। भाई बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बॉर्डर एरिया हो गया या आपका नक्सल एरिया हो गया, वहाँ की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है बॉर्डर एरिया और जो नक्सल एरिया है वहाँ की जो कट ऑफ है वहाँ पर आपकी कमी रहती है हमेशा। सो अगर आप बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी जो कट ऑफ है, जो मैंने आपको बताई है 65 बताई है या इससे कम कुछ मैंने आपको बताई है कि भाई आप अपना 65 से तीन चार नंबर कम कर लो, 61 नंबर तक या 60 नंबर तक ओबीसी कर लो, इनसे भी आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाली है। सो अगर आप नक्सल और बॉर्डर एरिया के अंदर अगर आप जो मैंने बताया 55 से 65 वाली, अगर आप इस रेंज के अंदर आते हैं, 55 से 65 वाली एरिया के बीच में भी आते हैं आप, ठीक है ना, 55 से 65 या इससे भी आप 52 से 65 के रेंज के अंदर भी आते हैं तो भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बॉर्डर और नक्सल एरिया की बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। सो जितने भी नक्सल एरिया से या बॉर्डर एरिया से हैं अगर वो 50 से 65 की रेंज के बीच में तो भी अपनी तैयारी को जारी रखे, ठीक है, क्योंकि उनके चांस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन आने के, सिलेक्शन लेने के, ठीक है, अगर वो नक्सलाइट एरिया या बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। सो यहां पर मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है, अगर इतने इतने मार्क्स है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आंसर के आने के बाद आपको पोल दिखा दिया है, सब कुछ यहां पर मैंने आपके लिए कर दिया है। सो यहां पर जो हमारा एनालिसिस था, जो भी पूरा आपके साथ था वो आपके सामने है, जो भी कुछ फैक्ट्स हो सकते थे सारे आपके सामने रखे। अगर ये वीडियो कहीं से भी यूजफुल लगता है तो इसे लाइक शेयर तो कीजिएगा, साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही एक और एनालिसिस के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।